आप सभी डीएलएड शिक्षकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल तारा इन्फो सिस्टम में मैं राजीव एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। डीएलएड शिक्षकों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी जो रजिस्ट्रेशन है और एग्जाम फॉर्म जो फिल हो रहा था 504 और 505 का, उसकी डेट फिर से एनआईएस द्वारा एक्सटेंड कर दी गई है, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक ऐसे थे जो फॉर्म नहीं फिल पाए कर पाया। तो जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया है वो लोग काइंडली फॉर्म फिलअप कर ले। दोनों की रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ पे जाएंगे, इसके लिए देखना होगा नोटिफिकेशन। तो dlaed.nis.ac.in इनके साइट पे जाएंगे। साइट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे स्कॉलिंग मैसेज भी आएगा। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन एग्जाम एंड सेकेंड ईयर एडमिशन फीस एक्सटेंडेड टिल 5 अगस्त 2018। नीचे भी जाकर देखेंगे तो दोनों ऑप्शन में पहले ये 31 दिसंबर था और अब ये होकर के हो गया है 5 अगस्त 5 अगस्त। 5 अगस्त तक सारे लोग अपना अपना फॉर्म भर लेंगे, और जो लोग कोई भी ऐसे कैंडिडेट होंगे जो 501, 502, 503 की एग्जामिनेशन में किसी एक पेपर का एग्जामिनेशन नहीं दे पाए, ऐसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आए हैं जो किसी एक पेपर में उनका एग्जामिनेशन छूट गया, अब वो फॉर्म भरने उस पेपर की फॉर्म भर रहे हैं, तो उनको 501 और 502, 503 को फॉर्म फिलअप करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, सिर्फ 4-5 का ऑप्शन आ रहा है। तो वो लोग घबराए नहीं, उनके जो फॉर्म्स हैं ना वो एग्जामिनेशन उसका जो ये 501, 2, 3 का रिजल्ट जब आ जाएगा तो उनका जो भी पेपर बचा हुआ रहेगा वो सारे के सारे पेपर्स का आपका फॉर्म फिलअप होगा। और दूसरी बात, एक एनआईएस के द्वारा दो चार दिन पहले एनआईएस के चेयरमैन का एक मैसेज था जिसमें कि जो भी कैंडिडेट, जो भी टीचर्स इंटरमीडिएट में 50% जिनकी मार्क्स नहीं है वो अपनी मार्क्स के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए उनको लगानी है, नहीं तो इम्प्रूवमेंट उनको 12th के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए फॉर्म भरना है, और फॉर्म भर करके अपनी जिस पेपर्स में उनके एग्जामिनेशन, जिन पेपर में उनकी मार्क्स कम होगी उन पेपर में मार्क्स बढ़ा करके और 50% उनको पुराना है। बहुत सारे शिक्षक क्या किए हैं, अभी तक इस इम्प्रूवमेंट के लिए फॉर्म नहीं भरे हैं, उनकी एग्जामिनेशन भी डीएलएड की हो रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बट उनको इतना समझ लेना चाहिए जो एनआईएस ने डीएलएड की सर्टिफिकेट तब इशू करेगी जब उनका 50% मार्क्स फूट जाएगा, तो अभी वो सारी एग्जामिनेशन भी डीएलएड का दे सकते हैं, उनकी रिजल्ट भी आ जाएगी, बट फाइनल जब इसका फाइनल जो सर्टिफिकेशन आपका होगा मार्च 2019 में, तो उस समय डीएलएड का मार्क्स सर्टिफिकेट इशू करने से पहले आपके 12th के मार्कशीट को चेक किया जाएगा, अगर वहां पे इम्प्रूवमेंट आपका नहीं होता है क्लियर तो फिर आपको डीएलएड की सर्टिफिकेट रोक दी जाएगी। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे जो ऐसा जो किए हैं उन लोग काइंडली अपनी जो भी एनआईएस के टोल फ्री नंबर है या फिर जो भी आपके कंसर्न डिपार्टमेंट के आरपी है या फिर जो भी मेम्बर्स आपसे सीनियर है उनसे सलाह मशवरा लेकर के आप लोग काइंडली इम्प्रूवमेंट के लिए फॉर्म भरे और काइंडली एग्जामिनेशन दे, नहीं तो डीएलएड का पैसा और मेहनत दोनों आपका बर्बाद हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।